ए गाइस, तो सुबह सुबह हम पापा लगे हुए हैं। अभी जोत लिया पापा ने जस्ट, और आज है मावस तो उसी की जोत चल रही है। मम्मी लगी हुई है गोवर्धन के पूजा की तैयारी के लिए। ऐसा ही था, ऐसा ही था। सुबह सुबह जाके हम लोग लेके आए गोबर गौशाला से, और पापा ने जोत ले ली है अभी। ये देखो गाइस, तो मैं अभी लग गई हूँ अभी बनाने के लिए गोवर्धन। अच्छा से सुंदर से बना देती हूँ। जल बहुत अच्छा, मतलब खाते पीते वाला है, पूरा हष्ट पुष्ट एकदम कत्ती। ये देखिए पूरा मस्तू मस्तू बनाएंगे। तो भाई इतना तक बन के आ गया है, और अभी आगे और बनाती हूँ। तो भाई अभी इतना बन गया है। तो गाइस अभी कितनी तैयारी हो गई है मैं आपको दिखा रही हूँ। और इधर मैं कर रही हूँ तुलसी जी की पूजा और पटवारी जी की पूजा। और आज क्या हुआ, क्यों इतना लेट कर रही हूँ वो भी दिखाऊंगी बताऊंगी। मतलब इधर में है पटवारी जी, और मेरी पटवारी बड़ी भी हो गई है। देखिए उधर में अंशु घूम रहा है भाई। और इधर भी जचा दिया है सब, इधर कर दिया है। और अभी चला दूंगी दीपक। जय पटवारी माता की, जय तुलसी जी की। हो गया, कल भाई दीपावली अच्छा धूमधाम से मनाया है। जो कल कब लोग कोई नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेंगे कल वाला। और आज है गोवर्धन पूजा। तो अब भी गोवर्धन पूजा, सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। दबा देती हूँ पूजा। तो भाई सीधा तुलसी जी की पूजा हो गई है, और दिख नहीं रही थी साइड में। तो भाई इधर में तुलसी जी की पूजा हो गई है, और पटवारी जी की इधर पूजा कर ली है, और अभी कर रही मैं गोवर्धन जी की। तो अभी देखो क्या 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 है। और इसका भोग मूली है, कोल है, और हलवा मिठाई सबका भोग लगता है। इधर में पहले धूप एक बार जला के रख देती हूँ, उसके बाद अभी जिमाते। जिमा दिया है। जय गोवर्धन महाराज, जय महाराज, अति मुकुट। तो गाइस अभी पूजा हो गई है, और लास्ट में अभी बची है आरती। तो अभी मैं कर रही हूँ आरती। जय गोवर्धन महाराज की जय हो। दीप जला दिए हैं, धूप दिखा दिए हैं, और ऐसे करके हमारे यहाँ पे पूजा किया जाता है गोवर्धन जी का। तो आप भी हाथ जोड़ के सब गोवर्धन जी को प्रणाम करिए। आपकी तरफ से मैं भी कर देती हूँ, और आप भी करिए। तो कमेंट में लाइक जरूर करना, और कमेंट जरूर करना गोवर्धन महाराज की जय जरूर लिखना। और अभी हो गई है पूजा, और मैं इनको कर लेती हूँ प्रणाम। तो आप भी तब तक प्रणाम कर लीजिए, मैं तब तक प्रणाम कर रही हूँ। तो भाई अभी पूजा का काम हो गया है, अभी अभी लगते हैं दूसरा काम। आज हो गया है थोड़ा सा लेट, क्योंकि तबीयत इतना ख़राब हो गया था सुबह उठते, इतना तबीयत ख़राब। अभी भी जैसे तैसे करके नहाई हूँ, और नहा के मेरे लिए पूजा बहुत ज़रूरी है करनी, तो इसीलिए मैं नहा के अभी पूजा कर ली हूँ। और अभी देखते हैं क्या करेंगे। अभी टेबलेट लेना तो बहुत ज़रूरी होगा, बहुत ज़रूरी। तो थोड़ा सा नाश्ता करके, और फिर मैं बाद में एक टेबलेट लूँगी, तब मेरे को आराम मिलेगा, तब जाके घर का काम करेंगे। और इधर में मैं दिखा रही हूँ, इधर अभी दीपक जल रहा है।
और इधर अभी दीपक जल रहा है, तो मैंने कल बोला था कि किस किस के घर में इतना लेट तक दीपक जलेगा तो जरूर बताना, और मेरा इधर में अभी दीपक जल रहा है क्योंकि, और ये जब तक पूरा दीपक जलते रहेगा तब तक इसको नहीं उठाएंगे, और अभी शाम तक जलेगा मेरे को लग रहा है ये, तो ये जलते रहेगा। और बहुत खुशी मिलती है पूजा पाठ से ना, बहुत अच्छा लगता है, हालांकि घर में रौनक हो जाती है पूजा से, लेकिन कल से इतना अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। लेकिन तो अभी करते हैं दूसरा काम, ये देखिए बहुत सुंदर खूबसूरत। तो गाइस अभी इतना अच्छा से सब पूजा हो गया, सब कुछ कर लिया है, लेकिन मैं जो थक गई उसकी वजह से, वैसे मेरी सुबह भी हालत ऐसे ही ख़राब था, मैंने ब्लॉग तो बनाया लेकिन बहुत हिम्मत कर करके मैंने ब्लॉग बनाया, और अभी एकदम ऐसा हो गया कि मैं करूँ तो अभी क्या करूँ, ऐसा हो गया मतलब बदन इतना दर्द कर रहा है, इतना बुखार। तो अभी ये टेबलेट लिए, अभी टेबलेट लेऊँगी मतलब, और फिर थोड़ा देर करूँगी रेस्ट, तब मेरे को उतरेगा। बर्तन तर्तन सब काम किचन में सब पड़ा हुआ है एकदम से, और क्या करें जल्दी काम होता तो अच्छा लगता है। और अभी शर्मा जी चटनी बनाई है अभी, क्योंकि जो कल बड़ा बनाए थे तो उसके लिए चटनी बनाती हूँ मैं सुबह में, लहसुन का चटनी और वो धनिया का चटनी। और शर्मा जी खा लिया ना ना, अरे बापरे इतनी ज़बरदस्ती खाई है, और अभी टेबलेट ले रही हूँ, और मेरे को माथा भी इतना दर्द, पूरा बदन इतना दर्द कर रहा है ये, कभी कभी होता है ये ऐसा वाला पेन मेरे को भयंकर, तभी टेबलेट ले लेती हूँ। और अभी वैसे भी दीपावली का धूप लेना देना है, तो अभी तक कॉल नहीं किया है, अभी देखते जब आराम मिलेगा तब करेंगे। अभी के लिए धोनी भाई दीपक, अभी जस्ट शाम का अभी भी जल रहा है क्या, अब नहीं जल रहा, अभी वो हुआ है वो सब, तो अभी धोनी की है मैंने पूरा घर में, इसमें हम देते हैं धोनी, देखिए दीपावली का ये हटाया ही नहीं है क्योंकि दीपक जस रहा था अभी तक, कल जलाया था और अभी तक जल रहा था, इसीलिए हम इधर से नहीं हटाया था, अभी हटाएंगे इसको, ये सब ये देखिए पूरा दीपक आगे तक का बत्ती है, ये बत्ती इधर तक का जल गया है, अब हटाएंगे ये सब, ये जलती धोनी खराब होने के चक्कर में, ये देखिए सब ऐसे ही रखा हुआ, अब सेट करूँगा, किचन का भी ऐसा ही है, इधर में भी ऐसे ही रखा हुआ सब। तो गाइस अभी उधर का सब ठीक किया है, और अभी मैं दिखाती हूँ आपको बर्तन मेरा कैसा पड़ा हुआ, मतलब किचन की हालत दिखा रही हूँ मैं, कल था और एक आज है, देखिए पूरा दो तीन प्लास्टिक में ऐसे ही रखा हुआ था कचरा, ये यहाँ से ले गई चाय का टोपिया, कढ़ाई इसमें बनाई थी चटनी, ये कुकर मतलब दही भी रखा हुआ है सब, ये सब ये पट्टी है, ये होती है एक किचन की हालत जिसकी तबीयत खराब हो, और इतना जो इतना सामान जो बनाया था कल कुछ नहीं खाया, सिर्फ वो सिर्फ दो रोटी अभी दो सुबह में खाया टेबलेट लेने, दोपहर में मतलब टेबलेट लेने के लिए, बाकी ऐसा बनाया हुआ ऐसा कैसा पड़ा हुआ, एक बड़ा नहीं खाया, वो भी फ्रिज में ऐसे ही रखा हुआ, दही है वो बाहर में ही पड़ा हुआ, मतलब सब ऐसे ही ये हुआ ऐसा देखिए पड़ा हुआ, बच्चे भी मैं जब खाते दिखती हूँ तब खाते वो लोग खाए बेचारा, वो भी बस सब्जी पूड़ी वही सब खाए, पूड़ी बचा हुआ था रात का तो वो खाए, और बाकी सब ऐसा कैसा पड़ा हुआ है ये। अब ये कर रही हूँ फिर थोड़ा सा देखती हूँ मुँह फ्रेश हो जाएगा, छत पे जाके आऊँगी, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है बोला छत पे, तो कल नहीं गई थी मैं और अभी आज देख के आती हूँ। गाइस सब आए थे छत पे आके देखा तो ये नज़ारा है, ये वाह
आज भी जितना कल जितना था आज भी उतना ही सेम, वो ही पटाखा के सामने एकदम 2 दिन तक होता है इधर देख। वाह बहुत सुंदर भाई। वो देखिए लाइटिंग क्या सुंदर से सजा हुआ इधर में खड़े हैं शर्मा जी। ये देखिए लाइटिंग बहुत मस्त लग रहा है, बहुत सुंदर। इस साइड क्या जलाया नहीं, कल तो मस्त लग रहा था। ये उस साइड में पूरा शहर जगमगा रहा है ये देखिए। और कल मैं आई नहीं थी, आज भी जैसे तैसे करके हिम्मत करके आई गई हूँ। आ गई आ गई, बहुत सुंदर। सब बिल्डिंग ऐसे ही सज रही है ना, क्या सुंदर नज़ारा। ये देखिए तो वो ये बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, तो वहाँ से लेके यहाँ तक उस साइड भी दिखा रही हूँ। क्या गजब भाई, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इधर खड़े हैं शर्मा जी। अच्छा लग रहा है शर्मा जी, बहुत मस्त ना। और अभी इससे पहले पटाखा इतना वो जल रहा था, लेकिन हम लोग आए लेट ना, फिर होगा लेकिन लग रहा है। वो देखो तो गाइस अभी टाइम देखो। और अब आ जाके हम लोग बाहर से लेके आए, मम्मी था थोड़ा तबीयत खराब सुबह से ही, और और मेरा भी है थोड़ा सा तबीयत खराब। और अभी हम लोग सब लेके आए पाव भाजी, नूडल्स वूडल्स भी है। मम्मी अभी खाएगी नहीं प्याज वगैरह, इसलिए हम तीनों के लिए लेके आना पड़ा, उपाय नहीं था। ये लेट हो गया वरना तो घर पे ही बनता, लेकिन चलो ठीक है। मम्मी का भी तबीयत खराब था और अभी ये खाएगा। वैसे अभी खाना स्टार्ट करेगा। ये भाजी है, चीज है ये, हाँ इसमें चीज डाला है ये। हाँ भाजी, भाजी तो प्याज की बनती है। आप एंजॉय करो कोका कोला। तो फिर सब में प्याज है, अब देख लो इसमें भी प्याज है, इसमें भी प्याज है, इसमें भी प्याज है। हलवा खाओ पेट भर के। मतलब खुशबू भी मतलब बंद कर लो नाक। और भैया क्या क्या ये है? पापा को दिखा पहले। चाप है ना? हाँ सोया चाप, सोया चाप। और घर में सब चीज बनाया हुआ है, पहले तो ये चखते हैं। ये लोग को भाता है, क्या क्या चीज है, बड़ा होगा किसके पड़े बता। कोई ना, एक एक दिन चलता है दिवाली का। तो बनाया ना पुराना, देखा कैसा है, देख मजा नहीं आया। रुक जा एक सेकंड, दे भी दे पाँच पैसा करने है, पैसा तो बहुत है इधर। हम भी खाएगा, कितना सा है? मन तो 170 नाम सुन के घूम रहा हूँ। हम्म, आज क्या कर दी? मैं तो बोली 170 की प्लेट है, नहीं काम का है। कुछ ऐसी नहीं है, टेस्ट मजा नहीं है, एकदम स्वाद नहीं है, एकदम टेस्ट नहीं है, तीखा है। और यहाँ पर टेस्ट देगा ना, हर प्याज बताएगा तो था ही नहीं इसमें, आपका प्लेट आज का प्लेट बन जाता है। तो स्वाद ही नहीं, स्वाद ना। मेरा प्याज दिख दिख में लग रहा है, बेकार है। चलो ये खा ले, खा ले।
170 नोएडा वो उस साइड में खाया था, क्या टेस्ट था? महेंद्रगढ़ में खिलाता है वो लोग, बहुत टेस्टी खिलाता है। तो इसका कैसा, ये कैसा? पाव भाजी ठीक है, हाफ प्लेट में चार पीस दिया। भाई ये पियो और मस्त रहो मेरे साथ। अभी तो वही बढ़िया रहेगा, चाप तो काम का नहीं है।